एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो अभी तक हमने इस फायरबेस सीरीज के अंदर फायरबेस को एंड्रॉयड के साथ में सेटअप किया फ्लटर ऐप के अंदर, फ्लटर फायरबेस में, और हमने ऑथेंटिकेशन मेथड में तीन तरीके के ऑथेंटिकेशन मेथड पढ़े, गूगल साइन इन, फोन ऑथ एंड ईमेल ऑथेंटिकेशन। सो इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर हम अपने फ्लटर ऐप को iOS के लिए फायरबेस के साथ में इंटीग्रेट करेंगे एंड गूगल साइन इन को चेक करेंगे कि एक साइन इन मेथड भी अच्छे से इसमें चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए जो कंप्लीट प्रोसेस होने वाला है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है iOS के लिए। एंड्रॉइड के लिए हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बेसिक तरीका होता है यहाँ पे अपने को ऐप के अंदर गूगल सर्विसेज और जेएसएन फाइल डालनी होती है वगैरह, बट iOS के लिए कैसे करते हैं वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पे जाके एड ऐप पे क्लिक करना है अपने फायरबेस प्रोजेक्ट में और iOS पे क्लिक करना है। अब ये पूछेगा आपसे iOS बंडल आईडी। सो iOS जैसे एंड्रॉइड के अंदर हमारे पास में एप्लीकेशन आईडी होती है, पैकेज आईडी होती है, वैसे ही हमें iOS में बंडल आईडी होती है। वो कहाँ से मिलती है, आपको iOS पे राइट क्लिक करके ओपन इन एक्सकोड करना है। दिस इज द रिक्वायरमेंट दैट यू हैव टू ओपन दिस इन एक्सकोड, क्योंकि एंड्रॉइड में तो हम डायरेक्टली फाइंडर या फाइल्स के थ्रू, फाइल मैनेजर के थ्रू हम डायरेक्टली फाइल रख देते हैं गूगल सर्विसेज डॉट जेएसएन, इसमें वैसे नहीं चलेगा, यू हैव टू ऐड फाइल्स यूजिंग एक्सकोड। सो हमने एक्सपोर्ट पे गए, रनर पे क्लिक किया तो हमें यहाँ पे बंडल आईडी मिल गई है। सो हम इस बंडल आइडेंटिफाई को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हम इसको बाय डिफॉल्ट नेम दे देते हैं, ये iOS ऐप। ओके, सो अभी ये हमें कॉन्फिग फाइल डाउनलोड करने को बोलेगा जिसका नाम है गूगल सर्विस डैश इन्फो डॉट plist। हम इसको डाउनलोड पे लगा देंगे और हम वापस आएंगे अपने एक्सकोड के अंदर। एक्सकोड में हमें इस रनर के अंदर जो रनर नाम से फोल्डर है इस पर क्लिक करना है और हमें यहाँ पे चूज करना है ऐड फाइल्स टू रनर। ओके, अब हम अपने डाउनलोड्स डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे और हम गूगल सर्विसेज डॉट जेएसएन नाम से जो लेटेस्ट फाइल है हमारी यही है, इसको हम यहाँ से ऐड कर देंगे। ओके, अब यहाँ से ऐड करना ज़रूरी है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप फाइंडर से या कहीं और से करेंगे सो इट डजेंट वर्क, आपको एरर शो होगा, इसीलिए आपको यहाँ से करना। और हम इसका नेम भी करेक्ट कर देंगे, इट शुड बी दिस। ओके, पीछे नंबर वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ आना चाहिए। ओके, वो हमने सेटअप कर दिया है। अब यहाँ पे हमारे पास में गूगल सर्विस डॉट जेएसएन फाइल, गूगल सर्विस इन्फो फाइल सेटअप हो गई है। अब हम एक्सपोर्ट का काम ख़त्म है, हम इसको बंद कर देते हैं और हम यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इस सब की हमें ज़रूरत नहीं है, वो सेम सेटिंग्स पे चलती है, आपको अलग से कुछ इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी थी, फर्स्ट वीडियो इस सीरीज की जिसके अंदर हमने एंड्रॉयड के लिए इंटीग्रेट किया था, तो आप देख सकते हो। एंड उसके बाद में गूगल साइन इन, सेकेंड वीडियो के अंदर हमने गूगल साइन इन किया था, तो उसके अंदर जो ऐप बनाया था हम सेम को iOS में रन कर रहे हैं। ठीक है, तो सेटअप के लिए बस iOS के लिए आपको सिर्फ इतना ही डिफरेंट करना है, बाकी और कुछ कोड वाइज ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऐड हो चुका है, अब हम इसको रन करके देखते हैं iOS में कि क्या कोई एरर आता है या कैसे चलता है। हमारे पास में ऑलरेडी iOS सिम्युलेटर यहाँ पे ओपन ना है, अब हम इसको यहाँ पे रन करके देखेंगे। ओके, सो इट वुड टेक अ फ्यू सेकंड्स की सब चीज़ें लाइक एक्सपोर्ट बिल्ड वगैरह को, जैसे ये कंप्लीट हो जाते ये रन हो जाएगा एंड हम यहाँ पे गूगल साइन इन परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। सो आवर गोल इज कि एटलीस्ट सिंस इस सिम्युलेटर में मैंने अपनी गूगल आईडी को ऐड नहीं किया हुआ, सो आवर गोल इज एटलीस्ट इट शुड आस्क फॉर गूगल साइन इन, बट हम उसको लॉग इन मतलब साइन इन करेंगे नहीं, बट एटलीस्ट इट शुड ओपन द ओके। सो आप देख सकते हो हमारा iOS के लिए ऐप ओपन हो चुका है, अब हमें चेक करना है कि गूगल साइन इन इसमें अच्छे से वर्क करता है या नहीं। सो लेट्स ट्राई दिस आउट। ओके, यहाँ पे हमारा ऐप हुआ क्रैश, इसके अंदर जो एरर आ रहा है वो ये आ रहा है, योर ऐप इज मिसिंग द सपोर्ट ऑफ URL स्कीम्स दिस दिस दिस। एरर आया है कि URL स्कीम सेट नहीं किए। सो ये जो एरर है ये फायरबेस के साथ में अपने प्रोजेक्ट को लिंक करने का एरर नहीं है, बट ये है कि जो हमारे फायरबेस ऑथेंटिकेशन है, गूगल साइन इन है, उस गूगल साइन इन को ऐप के अंदर ऐड करने के लिए हमें जो एक रिवर्स क्लाइंट आईडी होती है उसको इसमें ऐड करना पड़ता है। सो iOS की रिक्वायरमेंट ये है कि जो URLs आप एक्सेस करने वाले हो HTTPS वगैरह, सो उनको आप लाइक जो URL स्कीमा है उसको आप ऐड कर दो इसमें। तो हम वही करने वाले हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पे अपने एक्सकोड के अंदर जाएंगे और गूगल सर्विस डैश इन्फो वाली फाइल को ओपन करेंगे और ये जो रिवर्स क्लाइंट आईडी है इस पर डबल टैप करके इसको यहाँ से हम कर लेंगे कॉपी। एंड उसके बाद में हम यहाँ पे अगेन रनर पे जाएंगे और रनर पे जाने के बाद में इन्फो पे क्लिक करना है आपको, और इन्फो में आपको एक ऑप्शन मिलेगा URL टाइप्स, यहाँ पे आपको एक ऐड का बटन मिलेगा तो आपको उस पर क्लिक करना है एंड फिर आपके सामने ऐसा डायलॉग खुल जाएगा और आपको यहाँ पे URL स्कीम्स के अंदर इसको पेस्ट कर देना है।
ओके सो वंस दैट इज डन हम वापस इसके अंदर आएंगे और एक बार फिर से अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे. सो लिंक फायरबेस के साथ ऑलरेडी हमारा प्रोजेक्ट हो चुका है. ये एरर है फायरबेस ऑथेंटिकेशन के अंदर, पर्टिकुलरली गूगल साइन इन के केस में ये एरर आ रहा है, या फोन ऑथेंटिकेशन के अंदर भी एरर है. सो ये जो एरर है दैट इज रिलेटेड टू ऑथेंटिकेशन, नॉट विद लिंकिंग योर प्रोजेक्ट विद फायरबेस. ठीक है, तो हम इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं कि अब सब चीजें अच्छे से वर्क कर रही है या नहीं. ओके हमारे पास में ऐप रन हो चुका है. And then once the UI is loaded, हम इस बटन पे क्लिक करके इस चीज को भी चेक कर लेते हैं. Let's see. Okay, so it says that he wants to use google.com to sign in. Let's continue. So आप देख सकते हो यहाँ पे ये Google sign in खुल चुका है. So हम अभी sign in नहीं करेंगे because we don't want. ये error भी इसलिए आया कि जो authentication है was called on like we didn't sign in. So इस वजह से है. Okay, so it means that we have integrated our project iOS project with Firebase. And then also we added Firebase authentication to it. So I guess that's all for this video. I hope you learned something from this video. And in the next video, we'll cover things in more detail. Stay tuned.